हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रखंड स्तर पर बनाई गई जांच टीम जिले को रिपोर्ट सौंपेगी। टीम 300 पंचायतों की मेधा सूची का आज होगा अनुमोदन। मुजफ्फरपुर का न्यूज़पेपर है ये, मुजफ्फरपुर शिक्षक बहाली का न्यूज है। जिले के 300 पंचायत नियोजन इकाइयों में 12 जुलाई को होने वाली काउंसलिंग के लिए मेधा सूची के अनुमोदन की प्रक्रिया शुक्रवार से होगी। इसे लेकर गुरुवार को विद्या विहार हाई स्कूल में डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी और डीपीओ स्थापना जमाल उद्दीन ने सभी बीईओ के साथ समीक्षा की। 12 जुलाई को जिले के 300 पंचायत नियोजन इकाई में काउंसलिंग कैंप लगाना है। इसमें 41 पंचायत नियोजन इकाई में अब तक मेधा सूची नहीं आई है। 41 पंचायत नियोजन इकाई ऐसे भी हैं मुजफ्फरपुर के जिसका मेधा सूची अब तक नहीं आया है। बाकी पंचायत नियोजन इकाई की मेधा सूची बन चुकी है। अब शुक्रवार से इसके अनुमोदन की प्रक्रिया करनी है, मगर इससे पहले मेधा सूची की जांच की जाएगी। डीईओ ने कहा कि मेधा सूची की जांच के लिए प्रखंड स्तर पर टीम बनाई गई है। यह टीम जांच करके मेधा सूची जिले में देगी, जिसके बाद अनुमोदन किया जाएगा। जांच टीम को मिला जिम्मा। डीपीओ स्थापना ने कहा कि कई नियोजन इकाई में मेधा सूची में वरीयता क्रम में गड़बड़ी की शिकायत अभ्यर्थियों ने की थी। ऐसे में जांच टीम यह देखेगी कि मेधा सूची में वरीयता क्रम में किसी तरह का हेरफेर तो नहीं किया गया है। इसके साथ ही आवेदन की संख्या से भी मिलान करेंगे। जांच टीम में बीईओ शामिल है। बीईओ यह लिख कर देंगे कि मेधा सूची की जांच कर ली गई है, इसके आधार पर ही जिले से अनुमोदन किया जाएगा। विद्या विहार स्कूल में इसके लिए एक सेल बनाया गया है, यहीं पर सारे रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएंगे। इस काम में मदद के लिए विभाग ने दो दो लिपिक को भी जवाबदेही दी गई है। निगम क्षेत्र में आज होगा मेधा सूची का प्रकाशन। 20 आवेदन हुआ जमा। बैठक में औपबंधिक मेधा सूची को अनुमति मिली। मुजफ्फरपुर एनआईसी पर किया जाएगा जारी। नगर निगम क्षेत्र में स्कूलों के रिक्त पदों पर नियोजन के लिए शुक्रवार को औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। गुरुवार को निगम कार्यालय में आयोजित शिक्षक नियोजन समिति की बैठक में औपबंधिक मेधा सूची को अनुमति मिल गई। इससे मुजफ्फरपुर एनआईसी पर जारी किया जाएगा। शहर के स्कूलों में कक्षा 1 से 5, 6 से 8 में कुल 48 रिक्त सीट पर शिक्षकों का नियोजन होना है, जिसमें कक्षा 1 से 5 के लिए कुल 34 सीट रिक्त सीटें हैं। इसके लिए 2951 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। साथ ही कक्षा 6 से 8 में 14 रिक्त सीट के लिए 786 आवेदन जो है वो हुआ है। जानकारी के अनुसार दोनों वर्ग में एक एक निःशक्त अभ्यर्थी का नियोजन होना है। इसके लिए कोषांग में 20 आवेदन जमा हुए हैं। नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने बताया कि विभागीय निर्देश के तहत 3 से 9 जुलाई तक संबंधित अभ्यर्थी औपबंधिक मेधा सूची पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। मेयर सुरेश कुमार की अध्यक्षता में शिक्षक नियोजन समिति की बैठक हुई, जिसमें नगर आयुक्त, नगर उप आयुक्त हीरा कुमारी, समिति के सदस्य, पार्षद आभा रंजन, डीपीओ स्थापना उपस्थित थे। तो निगम क्षेत्र का जो है मेधा सूची आज प्रकाशित होगा और मेधा सूची का आज अनुमोदन होगा। प्रखंड स्तर पर जांच टीम बनाई गई है और जिले को रिपोर्ट जांच टीम जो है वो सौंपेगी।